हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं ड्रीम इलेवन अकाउंट सस्पेंडेड के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जितने भी लोग ड्रीम इलेवन यूज करते हैं उसका जो अकाउंट है उसका अकाउंट ड्रीम इलेवन में आज की डेट पर मतलब सस्पेंड हो रहा है। ड्रीम इलेवन उसके अकाउंट को सस्पेंड कर दे रहा है। किसी का अकाउंट में मतलब कि बहुत सारे पैसा फंसा हुआ, तो किसी का मतलब कि वो चाहते हैं कि जो मेरा अकाउंट है वो मेरा सस्पेंड हुआ है उसको मैं फिर से रिएक्टिव कर सकूँ, उस अकाउंट को मैं दोबारा कैसे खोल सकता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अगर आपका भी ड्रीम इलेवन में कोई भी आपका अगर अकाउंट है अगर वो आपका सस्पेंड हुआ तो उस अकाउंट को आप लोग दोबारा रिकवर कैसे कर सकते हो, उस अकाउंट को आप लोग दोबारा यहां पर आपको आप लोग यहां पर ओपन कैसे कर सकते हो। तो ये वीडियो को दोस्तों आप लोगों को पूरा देखना है। ये वीडियो को आपको देखने के बाद कोई भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपको करना क्या है, ड्रीम इलेवन मतलब कि जो आपका अकाउंट है उसको आपको रिएक्टिव करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन के स्क्रीन पर आ जाना है। उसके बाद यहां पर दोस्तों आपको चलना है क्रोम पे, यहां पर जो भी आपका क्रोम होगा आपको क्रोम पे सिंपली यहां पर मतलब इसको आपको ओपन करना क्रोम को, और यहां पर आपको एक सर्च और टाइप यूआरएल का ये जो ऑप्शन दिखता है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहां सबको इस पर क्लिक करना है एंड यहां पर आपको सर्च करना है ड्रीम इलेवन हेल्प, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं ड्रीम इलेवन हेल्प आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये चीज आपको यहां पर आपको सर्च करना है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इसको दोस्तों आप जैसे मतलब सर्च कर देंगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, और यहां पर आपको एक ऑप्शन आपको दिखेगा कॉन्टैक्ट अस का, यहां पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा, आपको सिंपली कॉन्टैक्ट अस वाला जो बटन दिख रहा है इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर दोस्तों आप जैसे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने अब इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्म खुल करके आएगा, जो कि इस फॉर्म को दोस्तों आपको अच्छा से फिल करना होता है। अगर इस फॉर्म को अगर आप अच्छे से फिल कर देते हैं तो आपका 100% आपका जो अकाउंट है वो आपका रिकवर आपका हो जाता है, आपका रिएक्टिव आपका हो जाता है, ठीक है। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर एक बटन आपको दिखेगा, देख सकते हैं यहाँ पर इस साइड में एक एरो का बटन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ सबको ऊपर करना है, और ऊपर करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आपको दिखेगा अकाउंट सस्पेंडेड का ऑप्शन, आपको सिंपली अकाउंट सस्पेंडेड पे क्लिक करना है, क्योंकि जो आपका अकाउंट है वो आपका अकाउंट यहाँ पर सस्पेंड हुआ, ठीक है। उसके बाद आप लोग इस पर जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से दोस्तों आपको ऊपर करना है, और यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्म भाई खुल करके आएगा। इस फॉर्म को आपको अच्छे से फिल करना है। फॉर्म को अच्छे से फिल करने के बाद जो आपका अकाउंट है वो आपका रिएक्टिव आपका हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये फॉर्म को फिल नहीं करने पाते हैं, इसीलिए जिसका अकाउंट है उसका अकाउंट यहाँ से भाई ओपन उसका नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको मतलब अकाउंट सस्पेंडेड सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे करना है। नीचे करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको बोलेगा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को डालने के लिए, मतलब कि जो आपका अकाउंट आपका सस्पेंड हुआ है उस अकाउंट में जो आपने ईमेल आईडी वेरीफाई करके रखा था वही ईमेल आईडी को यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। उस ईमेल आईडी को यहाँ पर आपको डाल देना है। तो पहला काम आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको ईमेल आईडी आपको डालना है। कौन सा डालना है, आपका जो उस अकाउंट मतलब कि जो अकाउंट आपका सस्पेंड हुआ है उस अकाउंट में जो ईमेल आपका लिंक था उस ईमेल आईडी को यहाँ पर आपको सबसे पहले डाल देना, ठीक है। ईमेल आईडी को दोस्तों डाल देने के बाद यहाँ से आपको ऊपर करना है, और यहाँ पर आपको दूसरा में बोल रहा है वेरीफाई मोबाइल नंबर, मतलब कि आपका जो अकाउंट सस्पेंड हुआ है ड्रीम इलेवन में उसमें जो मोबाइल नंबर आप वेरीफाई करके रखे थे उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको डाल देना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ईमेल डालना है, और यहाँ पर आपको दूसरे नंबर में मोबाइल नंबर डालना है, वही डालना है जो आपको उस अकाउंट में वेरीफाई हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको बोलेगा डिस्क्रिप्शन आपको लिखने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन दोस्तों आपको सिंपली इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको डिस्क्रिप्शन दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक आपको इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके आपको मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम को आप जैसे ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मतलब कि टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर मैं आपको मतलब कि यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन में जो भी चीज़ आपको लिखना है वो चीज़ मैं आपको वहाँ पर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। यदि अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिखने पाते हैं तो आप लोग को अपने से आपको लिख लेना, अगर नहीं पाते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली कमेंट करना या फिर आपको मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना है। क्योंकि अगर आप अच्छे से अगर आप यहाँ पर अच्छे से डिस्क्राइब नहीं करते तो यहाँ पर दोस्तों मतलब कि आपका जो बात है वो ड्रीम इलेवन का जो टीम है वो समझने नहीं पाएगी और आपका प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं करने पाएगी, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन आपको कहां से लिखना है वो मैं आपको बता दिया हूं। उसके बाद यहां से आपको ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको बोलता है परफेक्टेड लैंग्वेज का ऑप्शन दिखता है, और इसके बगल में एक एरो दिखता है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको हिंदी या फिर इंग्लिश या आपको जो लैंग्वेज पसंद हो उस लैंग्वेज को यहां पर आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहां से मैं हिंदी को सेलेक्ट कर लेता हूं, और यहां से आपको ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको अब आपको बोलेगा पैन कार्ड यहां पर आपको मतलब वेरीफाई करने के लिए, यहां पर अपलोड पैन कार्ड का जो मतलब पैन कार्ड को कार्ड का जो फोटो होता है उस पैन कार्ड का फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग जो अकाउंट आपका सस्पेंड हुआ है उस अकाउंट में आप जो पैन कार्ड को आप वेरीफाई करके रखे हुए थे उस पैन कार्ड का एक फोटो आपको खींचना है, और अपलोड पैन पे क्लिक करके आपको अपना एक पैन कार्ड का जो फोटो होता है उसको आपको सिंपली आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड कर देने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर मतलब कुछ नहीं करना, उसके बाद एक आपको बटन दिखेगा सबमिट का ऑप्शन, बस आपको सबमिट पर भाई क्लिक कर देना है। सबमिट पर आप जैसे क्लिक कर देंगे तो जब का रिक्वेस्ट है वो ड्रीम इलेवन टीम के पास चली जाएगी, और जब का प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व आपका हो
या मतलब कि आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व आपका कर दिया जाएगा। लेकिन इसके पीछे भी दोस्तों एक रीजन है। देखो अगर मान लो कि अगर आप ड्रीम इलेवन का जो आपका अकाउंट है अगर उस अकाउंट में अगर आप कोई गलती किए होंगे तो आप जो आपका अकाउंट है वो भैया आपका मतलब कि सस्पेंड रहेगा, वो अकाउंट आपका ठीक नहीं होगा, ठीक है। और बिकॉज अगर मान लो कि जो आपका अकाउंट है वो अकाउंट मतलब कि जो आपका ड्रीम इलेवन का जो अकाउंट है वो ड्रीम इलेवन की टीम से अगर गलती से मतलब कि सस्पेंड हुआ तो वो जो आपका अकाउंट है वो आपका ओपन आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ गलती किए होंगे आप लोग अपने ड्रीम इलेवन अकाउंट में तो अब आपका जो अकाउंट है वो भैया आपका खुलने वाला नहीं है। अगर गलती से ड्रीम इलेवन की टीम से अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ होगा तो वो अकाउंट आपका खुल जाएगा। अगर आप गलती किए होंगे तो वो आपका भाई यहाँ पर आपका नहीं खुलने वाला, ठीक है। तो ये बात का दोस्तों आपको मतलब कि ख्याल आपको रखना है। और बाकी कुछ मतलब कि इतना प्रोसेस आपको करना पड़ता है, इतना प्रोसेस करने के बाद अगर आपका अकाउंट खुल जाए तो अच्छा, नहीं खुले तो फिर आपका ही मतलब कुछ ना कुछ आपका गलती आप किए होंगे इसलिए आपका वो अकाउंट आपका नहीं खुला हुआ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहीं पर दोस्तों मतलब कि इस वीडियो में बस यहीं तक, यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर सिखाने आया था। बस आपको इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना, 100% जो आपका काम है वो आपका हो जाएगा। बाकी अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।